गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का शॉर्ट वीडियो में लाया हूँ जिन दोस्तों को कान बहने की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कान से उनके पस आता है या फिर कोई भी किसी भी तरह का डिस्चार्ज आता है, काफ़ी लंबे समय से आता है, मतलब बहुत क्रोनिक कंडीशन हो गई है या फिर अभी एक्यूट कंडीशन है कि कुछ ही दिनों से हुआ है। तो इस तरह के केस में देखने को मिलता है कि पेशेंट कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक्स ली, उसे कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन जो है प्रॉब्लम फिर से बार बार होती रहती है। यहाँ तक किस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद भी कान बहना उनका बंद नहीं होता है। तो जनरली कान बहने के सिंपल से कारण के आपके कान की हड्डी गलने लगी है, सबसे पहला कारण इस तरह से होता है। सेकंड कारण होता है कि बार बार अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, और उसकी जो है मेम्ब्रेन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये दूसरा मेन कारण है। और दोस्तों, इसमें हम डायरेक्टली चलो मेडिसिन की बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज अगर आपके कान में किसी भी तरह का हो रहा है, चाहे वह आपका वाइटिश कलर का है, चाहे पस वाला है, चाहे स्मेल है, ठीक है, उसको हम ओटोरिया बोलते हैं। कान से पस डिस्चार्ज होना या वाइटिश डिस्चार्ज होना, ओटोरिया हम उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर दो मेडिसिन बताऊँगा जो कॉमनेस्ट मेडिसिन है, जो कि 70% केस में काम कर देती हैं, कि आपकी पुरानी कितने भी पुरानी कंडीशन है तो भी आप ये मेडिसिन लेके देख सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसी तरह से एक्यूट वाले भी लेके देख सकते हैं, एक्यूट की कंडीशन तो खैर ठीक हो जाएगी नहीं मेडिसिन से। तो दोस्तों, इसमें आपने यूज़ करनी है सबसे पहले बायोकेमिक मेडिसिन। इसमें दोस्तों लेनी है आपने सिलीशिया 6X के नाम से आपको मेडिसिन लेनी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी हीलिंग मेडिसिन है, बहुत अच्छी पस को निकालने वाली मेडिसिन है, ठीक है। तो आपने सिलीसिया 6X में लेनी है, बायोकेमिक मेडिसिन है, टैबलेट्स आपको मिलेंगी इसके। आपने दोस्तों 6 टैबलेट दिन में 3 बार, और ये आपने ऐसी खानी है, 6 टैबलेट एक बार में दिन में 3 बार, और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, ठीक है, बिना पानी के। इसके साथ में जो दोस्तों मेडिसिन आपने यूज़ करनी है उसका नाम है दोस्तों मर्कसोल 30। ये आपने 30 पावर में लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, 5-5 बूंदें दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में डाल के आप इस मेडिसिन को यूज़ करना शुरू कर दें। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, कि आपने चावल बिल्कुल बंद कर देने हैं, जो बादी चीज़ें होती हैं उनका आपने परहेज रखना है, जैसे कि बैंगन, गोभी, इन सारी चीज़ों का आपने परहेज रखना है। कान में डालने की कोई भी मेडिसिन चल रही थी आपके यहाँ, चल रही है, आप उसको बंद कर देना। केवल आपने इन मेडिसिन का इफेक्ट देखना है, मर्कसोल एंड सिलीशिया। तो सिलीशिया आपने 6X लेनी है, और आपने 6X लानी है 25 ग्राम की शीशी। जब ये आपकी 6X खत्म हो जाए तब आपने दोस्तों सिलीशिया लानी है, और इस बार 12X की लानी है, ठीक है, 12 पावर की लानी है। तो सेम प्रोसीजर से आपने ये मेडिसिन लेनी है, और मर्कसोल जो आपने लेनी है केवल 10 दिन लेनी है, उसके बाद में आपने मेडिसिन रोक देनी है। तो सिलीशिया आपने कंटिन्यू में यूज़ करनी है, पहले जब 6X की खत्म हो जाए फिर आपने 12X में लानी है। उसके बाद में जो आपके मर्कसोल है वह आपने स्टार्टिंग में केवल 10 दिन ही यूज़ करनी है, ओनली 10 डेज आपने यूज़ करनी है, उसको वहीं पे रोक देना। मेडिसिन खाने से ये हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लगे कि आपका पस जो है बढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आने लगा है, कि 4-5 दिन जो है कंटिन्यूसली आने लगा है, बढ़ने लगा है। तो दोस्तों, आप मेडिसिन को छोड़े ना, यही मेडिसिन आप कंटिन्यू में रखेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपकी पस जो पस आ रहा था बाहर वह धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिन अंदर से क्लीन करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, और आपकी जो कंडीशन है वह धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको 20-25 दिन में आराम नहीं लगता है तब ये मेडिसिन आप छोड़ दें, ठीक है, यानी कि आप कंटिन्यूसली आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने मेडिसिन खाते जा रहे हो और आपको आराम कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जो भी इफेक्ट मेडिसिन ने दिखाना है इतने दिन में दिखा देगी ये मेडिसिन। तो ये दोनों मेडिसिन आप यूज़ करें और 20-25 दिन यूज़ करें, मेडिसिन से आराम लग सकता है आपको, 70-80% केस में आराम लग सकता है, क्योंकि कॉमनेस्ट थेरेपेटिक मेडिसिन है और बेस्ट मेडिसिन है फॉर ओटोरिया। और आपको आराम नहीं लगता तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर्स होंगे, उनसे जाके आप सलाह मशवरा करके अपने आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।